कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी है। प्रवीण पाठक नामांकन के दौरान पार्टी शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। 2018 में प्रवीण पाठक ने बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को 121 वोट से हराया था। प्रवीण पाठक मध्य प्रदेश की सबसे कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक थे। देखिए, मैं तो पिछले 5 वर्ष से लगातार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों के साथ, और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का एक एक परिजन इस बात को जानता है कि एम्बुलेंस से और फायर ब्रिगेड से पहले ग्वालियर दक्षिण का बेटा संकट के समय में उनके पास पहुंचा। चाहे कोरोना की बात हो, जब सारे नेता अपने घरों में सो रहे थे तब उनका बेटा रोड़ों पर अपने परिजनों के लिए संघर्ष कर रहा था। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, तमाम सारी स्थितियों में अब ऐसा हुआ है कि हमारी विधानसभा पहले से बहुत उन्नत है, और मुझे इस बात को कहने में गर्व महसूस होता है कि जिस राज्य को साक्षरता के विषय में पूरे देश में प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, उस केरला के बच्चे भी ग्वालियर दक्षिण में आके यहाँ के स्कूलों की प्रशंसा करके गए, उनको देख कर गए।